ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बीजेपी किसानों के लिए गांव-गांव परिक्रमा यात्रा निकालेगी। बीजेपी के इस अभियान का मकसद किसानों को पार्टी से जोड़ने का होगा और इस दौरान में बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे और किसानों की समस्याओं को भी जानेंगे। किसानों के मांग पत्र को लेकर उनकी मांगों को सरकार से पूरा कराया जाएगा, साथ ही सरकार के कामों के बारे में भी किसानों को बताया जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार यूपी में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है। तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बहुत पहले से हालांकि किसानों के द्वारा मांग की जा रही थी और अब जानकारी ये भी है कि योगी सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के हित में, इसकी जानकारी भी किसानों को दी जाएगी इसके जरिए। देवरिया में हुए हत्याकांड में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा मृतक सत्यपाल की बेटी की तहरीर पर दर्ज हुआ है, जिसमें 28 नामजद और साथ ही 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी एफआईआर में मृतक प्रेमचंद के चाचा ने 5 नामजद के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर रुद्रपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की हिरासत में 14 लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। हत्याकांड में मारे गए सभी 6 लोगों का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया। वहीं सोमवार को घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर एडीजी जोन, कमिश्नर, डीएम, एसपी के अलावा यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और साथ ही स्पेशल डीजे प्रशांत कुमार भी पहुंचे। अधिकारियों ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामले को लेकर पहले भी निर्देश दिए थे और साथ ही सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की जानकारी प्रमुख सचिव गृह से ले रहे हैं। तो जमीन जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें इंडिया टीवी न्यूज के 5 लोगों के नीचे एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन के बावजूद, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हैं, अगर एप्लीकेशन थाने में दी गई है और किसी तरह की कोई लापरवाही है तो लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और इसमें भी जिन लोगों ने यहां किसी के घर पे चढ़ के कानून को अपने हाथ में लिया है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।